जी हिंद वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से ऐसा न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के महा ओपनिंग पोल के बारे में। क्या अमरिंदर सरकार बच पाएगी या फिर बन जाएंगी? बीजेपी की सरकार या आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी या फिर अकाली दल वापसी करेगा? क्या बीएसपी को बढ़त मिलेगी या फिर बीजेपी को? दोस्तों, आप कौन से राज्य और कौन से जिले से हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं पंजाब विधानसभा चुनाव का महा ओपनिंग पोल। जनता की राय के अनुसार किसकी बनेगी सरकार 2022 में? चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले फाजिल्का की 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 4 ही सीटों पर रुझान देखा जा रहा है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1, बीजेपी के खाते में 1, अकाली दल के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अकाली दल चारों को ही एक एक सीट मिल सकती है। कपूरथला की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है, आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है, बीजेपी खाते में यहाँ पर 0, अकाली दल के खाते में 1 सीट आने की संभावना सताई जा रही है और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। फिरोजपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, अकाली दल यानी चारों ही दलों को एक एक सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। यहाँ पर एक एक सीट सभी दलों के खाते में आ सकती है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 12 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी खाते में 4, आम आदमी पार्टी खाते में 3, बीजेपी खाते में 2, अकाली दल के खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं लुधियाना की जुगदा विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 8, आम आदमी पार्टी खाते में 4, बीजेपी खाते में 2, अकाली दल के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। पटियाला की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 4, आम आदमी पार्टी खाते में 2, बीजेपी खाते में 1, अकाली दल के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना की जा रही है। मानसा की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी खाते में 1-1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। तो पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से जनता की राय के अनुसार 37 सीटों का आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी खाते में 17 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 10, तो बीजेपी खाते में 6, अकाली दल के खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना की जा रही है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रूपनगर की 3 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर रुझान ऐसा निकल के आ रहा है, यहाँ पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी को यहाँ पर 1-1 सीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस खाते में 1-1 सीट जाने की संभावना की जा रही है और अकाली दल और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। SS नगर की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, तो आम आदमी पार्टी खाते में 0, बीजेपी खाते में 2 सीट, अकाली दल के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। संगरूर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 5, आम आदमी पार्टी खाते में 0, बीजेपी खाते में 2, अकाली दल के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 51 सीटों को सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी खाते में 24 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 11 सीट, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी नरेंद्र मोदी की पार्टी को यहाँ पर 11 सीट मिलती नजर आ रही है। अकाली दल को एक खाते में यहाँ पर 4 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। तो दोस्तों बात कर ली जाए, दोस्तों आपको क्या लगता है पंजाब में इस बार किसकी बनेगी सरकार, कौन मारेगा बाजी? क्या बीजेपी इस बार जीत का परचम लहरा पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी या फिर अकाली दल वापसी करेगा या फिर कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बनाएगी? वो बात हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। तरन तारण की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1, तो बीजेपी खाते में 1, आम आदमी पार्टी खाते में 1, अकाली दल के खाते में 1 सीट। बठिंडा की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 3, आम आदमी पार्टी खाते में 2, बीजेपी खाते में 1। बरनाल की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1, आम आदमी पार्टी खाते में 0, बीजेपी खाते में 1 सीट, अकाली दल के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 63 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 29, तो आम आदमी पार्टी खाते में 14 सीट, बीजेपी खाते में 14 सीट, अकाली दल के खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बराबर टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों,
बीजेपी और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर बराबर बराबर रेशियो के साथ चुगदा चुगदा सीटें मिल सकती हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ सकती है कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए इससे पहले आप एसएन न्यूज़ पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के माइंड क्विज सवाल की। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर कहाँ बनने जा रहा है? ए अयोध्या, बी वाराणसी। माइंड क्विज सवाल का अवश्य जवाब दीजिएगा, जिससे आप जी सकते हैं एसएन न्यूज की तरफ से एक शानदार चमचमाता स्मार्ट फोन, इसी के साथ स्मार्ट वॉच भी आपको जीतने का मौका मिल सकता है और एक पीछे ऐसी दिन वाला रिचार्ज भी। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले जिले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं तरन तारण की। चार विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी, अकाली दल पार्टी को यहाँ पर एक एक सीट। बठिंडा की छह विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में तीन, आम आदमी पार्टी खाते में दो, बीजेपी खाते में एक सीट, अकाली दल के खाते में जीरो और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर जीरो जीरो सीट। बरनाल की दो विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में एक दो, बीजेपी खाते में एक सीट जा सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं फरीदकोट की। फरीदकोट की तीन विधानसभा सीटें हैं, तीन में से यहाँ पर बीजेपी खाते में एक सीट, आम आदमी पार्टी खाते में एक सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में एक सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर जीरो, अकाली दल के खाते में जीरो सीट है। नवाशहर की तीन विधानसभा सीटें हैं, तीन में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में एक सौ, आम आदमी पार्टी खाते में एक सीट, बीजेपी खाते में एक सीट, अकाली दल के खाते में जीरो और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर जीरो जीरो सीट। फतेहगढ़ साहिब की तीन विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में एक दो, आम आदमी पार्टी खाते में दो सीट, बीजेपी खाते में जीरो, अकाली दल के खाते में जीरो और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर जीरो जीरो सीट। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 72 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देखा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी खाते में 33, आम आदमी पार्टी खाते में 17, बीजेपी खाते में 16, अकाली दल के खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में एक सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बात करते हैं फरीदकोट की तीन विधानसभा सीटों की, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में एक तो, आम आदमी पार्टी खाते में एक, बीजेपी खाते में एक सीट। चलिए दोस्तों बात करते हैं पठानकोट की तीन विधानसभा सीटों की, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में एक तो, बीजेपी खाते में एक सीट, आम आदमी पार्टी खाते में एक सीट। मुंगा की चार विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर दो सीटें तो आम आदमी पार्टी खाते में भी दो सीट। गुरदासपुर की सात विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में चार, आम आदमी पार्टी खाते में तीन सीट। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 86 यानी 86 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी खाते में 40, आम आदमी पार्टी खाते में 23, बीजेपी खाते में 17, अकाली दल के खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में एक सीट जा सकती है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं होशियारपुर की सात विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में दो, आम आदमी पार्टी खाते में दो और बीजेपी खाते में दो, अकाली दल के खाते में एक सीट। अमृतसर की 11 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 5, आम आदमी पार्टी खाते में 0, बीजेपी खाते में 6, अकाली दल के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। जालंधर की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 5, आम आदमी पार्टी खाते में 0, बीजेपी खाते में 3, अकाली दल के खाते में 1 सीट। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 113 सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन पर देखा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 52, आम आदमी पार्टी खाते में 25, बीजेपी खाते में 22, अकाली दल के खाते में 7, 22 नहीं 28 सीटें और अकाली दल के खाते में 7 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर एक सीट जा सकती है। बात करते हैं मुक्तसर की चार विधानसभा सीटों की, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 0, आम आदमी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 3, अकाली दल के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 117 विधानसभा सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन पर देखा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 55 तो आम आदमी पार्टी खाते में 26, बीजेपी खाते में 28 तो अकाली दल के खाते में 7 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर एक सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, पंजाब में क्या अमरिंदर सरकार अब नहीं बचेगी या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार बना सकती है या फिर अकाली दल और कांग्रेस मिलकर सरकार बना सकती है, इनमें से कौन अपना गठबंधन साबित करेगा ये तो टाइम आने पर पता चल जाएगा कि 2022 में जनता का मूड क्या है।